जरा सोचो उसने क्या कहा होगा। अरे देखो उसने लॉकर बंद नहीं किया। चलो देखते हैं वहाँ क्या है। कुछ तिजोरी की तरह लग रहा है। मुझे लगता है अंदर कुछ महंगा होगा। चलो देखते हैं। नहीं रुको, हम कहाँ हैं? मुझे लगता है कि यह चुनौती है। मैं पहले अपना तिजोरी खोलूंगी। देखो यह स्माइली है। वाह इतने सारे पॉपिट, कितना बढ़िया बढ़िया। हाँ केवल कहने से नहीं होगा, यह उन्हें पॉप करने और थोड़ा शांत होने का समय है। अजीब है यह इतनी मुलायम क्यों है, और इसकी महक बहुत अच्छी है। बिल्कुल यह गमी है। गमी तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। हाँ और यहाँ बहुत सारे हैं, मैं इन सबको एक साथ तुरंत खा सकती हूँ। अपने आप को रोक पाना मुश्किल है। यह बहुत स्वादिष्ट है, यह स्वादिष्ट गमी पॉपिट है। मुझे लगता है वो रुक गई, शायद हमारे लिए, ताकि हम यह खा सके। तुम चोर, यह मेरे हैं। अरे दर्द हो रहा है। अब यह देखने का समय है कि मेरा क्या इंतजार कर रहा है। लगता है यह कुछ बहुत ही मुलायम चीज है। यह जिंदा कीड़े हैं। मैं ये नहीं खा सकती, मैं नहीं करूंगी, वे रेंग रहे हैं। बस हो गया, चिंता मत करो, वे सब उड़ गए। उड़ गए, अब वो सब मेरे ऊपर हैं। बचाओ, वे मुझे खाना चाहते हैं। मुझे लगता है यह वैक्यूम क्लीनर मदद कर सकता है। ये सभी कीड़े को तेजी से अपने अंदर ले लेगा, यहाँ तक कि तुम्हारे चेहरे पर मूछ बनाने वाले को भी। ये बहुत मजेदार लग रहा है, पर मैं इसे हटा दूंगी। अरे तुमने होठों का क्या किया? सब ठीक है। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? तो फिर तुम इन सारे कीड़ों का स्वाद क्यों नहीं चखती हो? यह लो। ये सब मेरे ऊपर है, मैं क्या करूं? छी कितना गंदा। ठीक है चिल्लाओ मत, बेहतर होगा कि तुम अपनी तिजोरी में देखो वहाँ क्या है। ये किसी तरह की औषधि है जो मेरा इंतजार कर रही है। आशा करती हूँ कि कोई मेढक या कीड़ा ना बन जाऊं। अजीब है, मुझे कुछ भी अलग महसूस नहीं हो रहा है। ये पहले जैसा ही है। What? अजीब। ओ, नहीं मुझे कुछ हो रहा है। दोस्तों मदद करो, मुझे लगता है औषधि ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब मैं तुम्हारे हाथ के आकार की हूँ। ठीक है मैं तुम्हें उठाती हूँ। देखो कितनी प्यारी। अरे तुम अरे तुम मुझे काटोगी? आह दर्द हो रहा है। खैर कोई बात नहीं है, मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। छोटी लड़की तुम एक असली सांप से लड़ने वाली हो। तुम्हें लगता है कि मुझे डर लग रहा है। मैं इसे कुछ ही समय में संभाल लूंगी। पता नहीं कौन जीतेगा, मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है कि कीड़ा मजबूत है। कीड़ा, मैंने उसे हरा दिया। यह लो और यह। वाह वो सच में जीत गई। तुम्हें क्या लगा था? वह एक मस्त लड़ाई थी। इस बार मुझे स्वादिष्ट ट्रीट मिलेगा, इसलिए मैं अपना लॉकर पहले खोलूंगी। वाह यह मेरा फेवरेट कॉकटेल है, मुझे यह पसंद है। मैं किस बात का इंतजार कर रही हूँ? यह पीने का समय है। अजीब है यह आ क्यों नहीं रहा है? बेकार बोतल। तुम ये समझ क्यों नहीं पाई? सुनो मैं तुम्हें बताती हूँ कि इसे कैसे पीना चाहिए। तुम अच्छा ले लो, मैं मजाक कर रही थी। वह कम है, मैं तुम्हें कॉकटेल नहीं दूंगी। यह मेरा है, मैं इसे खुद ही पी सकती हूँ। तुम बहुत लालची हो, मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। तुम्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करना सीखना चाहिए। यह तुमने क्या किया?
अब मैं पूरी भीग गई हूँ। मैं पूरी बोतल पी सकती थी, मुझे लगा कि हम दोस्त हैं। शिकायत बहुत हो गई, अब डायना को उसकी तिजोरी खोलने दो। क्या मछली? अरे नहीं, अच्छी बात है कि हमारी नहीं है, इसे वास्तव में बदबू आ रही है। पर तुम्हें अभी भी यह खाना है, यह नियम है। मुझे पता है, मैं खाने की कोशिश करती हूँ। यह भयानक है। नहीं, यह मेरे वश की बात नहीं है, यह मैं नहीं खा सकती। तुम नहीं खाओगी? यह नियम है, तुम्हें खाना होगा, खाओ। ठीक है, मैं करती हूँ, बस इसे बहुत जल्दी से करना होगा। कितना गंदा और इतनी बदबूदार भी। अरे यह कंकाल, इसे मुझसे दूर करो और हंसना बंद करो। चलो मेरी, अपना लॉकर खोलो। हाँ, खुशी से। यह क्या है? Excuse me? किसी तरह का स्किटल्स। मुझे यह पसंद है, पर यह बहुत कम है। इसका स्वाद सामान्य वाले की तरह ही है। बहुत बढ़िया, मैं खुश हूँ। देखो, अब कैंडी मेरे ऊपर उग रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, क्या मैं खा सकती हूँ? बिल्कुल। कितना अच्छा। देखो मैं कैसे कैंडी में ढकी हुई हूँ। डायना, तुम्हें चाहिए? नहीं धन्यवाद, मैं तुम्हारे पिंपल्स खाना नहीं चाहती। और फिर से एक बार मैं अपनी तिजोरी पहले खोलूंगी, मुझे लगता है किसी को ऐतराज नहीं होगा। वाह, ये एक उपहार है, आईफोन, कभी ज्यादा नहीं होते। देखो ये कितने सुंदर तस्वीरें हैं। मुझे भी चाहिए, मुझे भी फोटो लेने दो। अरे हटो, मेरे फोटोज को बर्बाद मत करो। इसे तो, ये मेरे हैं, मैं तस्वीरें लेना चाहती हूँ। लड़कियों, लड़ना बंद करो, ये मुझे दो। हमें यह तय करना होगा कि यह किसका है, तब तक के लिए मैं इससे खेलती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? यह मुझे दो, यह मेरी है। यह क्या किया, वो मेरा नया फोन था। कहाँ? उप्स, लग रहा है कि वो अच्छी स्थिति में नहीं होगा। यह सब तुम्हारी गलती है। यह तुमने क्या किया? अब यह फोन नहीं बल्कि टूटा हुआ डब्बा है। जब तक तुम इसे निबट रही हो, मैं अपना लॉकर खोलती हूँ। अजीब, यह खाली क्यों है? चलो देखते हैं यह क्या है। ओ नहीं, मेढक नहीं, मुझे डर लग रहा है। बचाओ, इसे मेरे सिर पर से हटाओ। मुझे भी जानवर की जरूरत नहीं है, चलो हटो यहाँ से। मेरे ऊपर क्यों? यह तुम्हारा मेंढक है और मुझे अभी भी इसे खाना है? बिल्कुल नहीं। अगर यह शापित राजकुमार होगा तो तब मैं एक असली राजकुमारी बन जाऊंगी, पता लगाना होगा। Okay. तो राजकुमार, हंसो मत, मैंने पता लगाने की कोशिश की थी। खैर कुछ और पता करो और मैं देखूंगी कि मेरी तिजोरी में क्या है। ओ, एक अजीब सी टोपी है। मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? मेढक, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारा मेढक पत्थर में बदल गया है। पत्थर? अजीब है, लेकिन यह भूरा क्यों है? वाह, समझ गई, यह चॉकलेट है। और केवल चॉकलेट ही नहीं, बल्कि स्वादिष्ट चॉकलेट है। सुनो, शायद तुम्हारी टोपी मेरे आईफोन के लिए कुछ कर सकती है। चलो पता करते हैं। यह काम कर गया, कितना बढ़िया, अब मेरे पास एक चॉकलेट आईफोन है, सच में स्वादिष्ट। मतलब यह टोपी सबके लिए अच्छी है। क्या मैं इसे पहन सकती हूँ? मुझे लगता है यह ठीक है। ओह, अब हमारे पास चॉकलेट मैरी है, चलो उसकी सारी उंगलियां खाते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। Okay. चलो उसकी टोपी उतारो, फिर वो वापस अपने रूप में आ जाएगी, जैसे कि वो हमेशा से थी। हाँ चलो करो।
धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया। मुझे लगा मैं हमेशा के लिए चॉकलेट बन गई। इस बार कुछ अच्छा मेरा इंतजार कर रहा है, आशा है कुछ स्वादिष्ट होगा। ओ, न्यूटेला, मुझे ये बहुत पसंद है, मैं पूरा जार खा लेना चाहती हूँ। माफ करना, ढक्कन अपने आप तुम्हारे तरफ चला गया। इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी और के सिर पर मार दो। ओ चलो, गुस्सा मत करो, मैं न्यूटेला के लिए बहुत उत्साहित हूँ। मुझे यकीन है कि यह न्यूटेला बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं सही थी, यह कमाल का है। मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। तुम्हें चाहिए पर तुम्हें मिलेगा नहीं, यह मेरा न्यूटेला है। अभी भी कुछ बूंद बाकी है, बहुत बढ़िया। तुम्हारी नाक पर भी थोड़ी सी है और मेरे हाथ पर भी। हाँ, हम देख सकते हैं, यह तुम्हारे सब तरफ लगा हुआ है। अब मुझे और गहराई में जाना है। अरे नहीं, मेरा हाथ अटक गया है। मोटी, तुम्हें कम खाना चाहिए। हंसो मत, मेरी मदद करो। चलो इस जार को खींचो। मैं कोशिश कर रही हूँ, चलो हम कर सकते हैं। चलो खींचो खींचो। ओ वाह, अब मेरे पास बहुत सारा न्यूटेला है। चलो जल्दी से खाते हैं। मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, मैं जिंदा हूँ। What? क्या तुमने सब खा लिया? तुम्हें ये कैसा लगा? ओह, और चॉकलेट, मैं इसे सीधे अपने हाथों से खा सकती हूँ। जब तक तुम खा रही हो, मैं देखूंगी कि मेरे पास क्या है। कुछ बदबूदार? ओ नहीं, चीज नहीं, प्लीज। दुर्भाग्य से तुम्हें यही मिला है। मुझे ये नहीं खाना, मुझ पर दया करो, ये बहुत खराब है। बातें कम, काम ज्यादा, चलो खाओ। ओह, कितना खराब। हाँ, ये बहुत खराब दिख रहा है। ये ऐसा ही है, मैं नहीं खा सकती, ये बेकार है। हालांकि ये हो गया। ओके, वाह, हाँ बढ़िया है। अब हम देखते हैं कि मेरा इंतजार क्या कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब यह हमारे जाने। ये हम कहाँ आ गए? मुझे लगता है ये एक नई चुनौती है। कितना बढ़िया, क्या मैं प्लीज शुरू कर सकती हूँ? मुझे यकीन है कि इस तिजोरी में कुछ स्वादिष्ट है। मेरा अनुमान थोड़ा गलत था, लेकिन यह भी बहुत अच्छा है। इसमें पॉपिट का एक पूरा पहाड़ है। ये थोड़े अजीब है, इससे बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। हाँ, ये तो खा सकते है। मेला, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम रबर नहीं खा सकती हो। तुम कुछ नहीं समझ रही हो, ये रबर नहीं है, ये गमी है। और ये कितना स्वादिष्ट है, मैं सारे एक साथ खाना चाहती हूँ। मेरे मुंह में फिट होना मुश्किल है, लेकिन मैं ये संभाल लूंगी। तुम कितनी लकी हो, हमें जलन हो रही है। ये सही कहा, मुझे वो खाने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये स्वादिष्ट था, लेकिन मैंने थोड़ा ज्यादा खा लिया। शायद तब तुम हमें आखिरी पॉपिट दे सकती हो। मेरा सुझाव है कि हम इसे खुद ले लें और किसी से ना पूछे। दरअसल मैं सब कुछ देख सकती हूँ, मेरे पॉपिट को छूने की जरूरत नहीं है, मैं खुद इसे संभाल लूंगी। ठीक है ठीक है, फिर मैं अपनी तिजोरी देखती हूँ। ये क्या बकवास है, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये जिंदा कीड़े हैं। कितना बुरा, इसे मुझसे दूर करो। लगता है कि तुम्हारे कीड़े सीधा मिला के पास गए। तुमने क्या किया जूली, अभी ये सब हटाओ। शांत हो जाओ, बस एक वैक्यूम क्लीनर चाहिए। मीला की नाक के नीचे एक कीड़ा है। लेकिन ये बिल्कुल भी हंसने की बात नहीं है। एलेक्स, बस करो। मीला, चिंता मत करो, मैं अभी सब ठीक कर दूंगी। वैक्यूम क्लीनर बंद करो, इसने मेरे होंठ खींच लिए। ये बहुत मजेदार था। देखो मीला को क्या हुआ। अरे नहीं, मेरे होंठ, ये सब तुम्हारी गलती है। एलेक्स को दोष दो, वो पूरे समय हंस रहा था और मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। तुमने क्या किया जूली, मेरा मुंह कीड़ों से भर गया है। और अब हम हंस सकते हैं। वैसे तुम अपनी तिजोरी को पूरी तरह भूल गए। यहाँ किसी तरह का अजीब जार है। मुझे कोई आइडिया नहीं कि यह क्या है। शायद इसे चख लेना चाहिए, फिर शायद सब समझ आ जाए। तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है?
ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये क्या है। मिला, देखो एलेक्स छोटा हो गया है। अरे हाँ, ये उसे सूट कर रहा है, वो बहुत प्यारा लग रहा है। एलेक्स कसकर पकड़ो, मैं तुम्हें टेबल पर ले आती हूँ। धन्यवाद मिला, लेकिन तुम थोड़ा और सावधान हो सकती थी। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं एलेक्स, हमेशा ऐसे ही रहना। जब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वाह पॉपिट, मैं आखिरकार इसे खा सकता हूँ और इस पर कूद भी सकता हूँ। वाह, यह एक ट्रैम्पोलिन से भी बेहतर है। तुम क्या कर रहे हो एलेक्स? मैं जिंदगी का मजा ले रहा हूँ। फिर भी वो सच में बहुत प्यारा है। मैं तुम्हें फ्लाइंग किस भेज रहा हूँ। ओह हो गया, कूदना बंद करता हूँ, मैं काफी थक गया हूँ। शायद तब हम थोड़ा खेल सकते हैं। फिर करके दिखाओ। मैं बेवकूफी भरी काम नहीं करने जा रहा हूँ। मुझे काटने की जरूरत नहीं थी, तुम सिर्फ ना कह सकते थे। लेकिन ये बहुत मजेदार है। मजे की बात कर रहे हो, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली मजा क्या है। लड़ो। तुम क्या कर रही हो जूली? वह चाहती है कि मैं इस कीड़े को हरा दूँ। बहुत आसान, यह मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब तक तो ऐसा नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी जीतने का मौका है। अच्छा किया एलेक्स, बहुत अच्छा, तुम जीत रहे हो। यह लो बेवकूफ कीड़े, ज्यादा नहीं बचा है, मैं जीत गया। यह हुई ना ताकत, बहुत बढ़िया, तुमने हमें काफी अच्छे से सरप्राइज किया। खैर मुझे लगता है कि यह वापस आने का समय है। तुम फिर से वैसे ही हो गए हैं जैसे तुम पहले थे, और मैं इसके बारे में खुश हूँ। क्या मैं इस बार शुरू कर सकती हूँ? हमें दिक्कत नहीं है। वाह, क्या तुम ये देख रहे हो, मुझे एक नया आईफोन मिला है, यह कितना अच्छा है। यह हमें चिढ़ाने की कोई वजह नहीं है। तुम सभी को मुझसे ईर्ष्या करनी चाहिए, तुम्हारे पास ऐसा फोन कभी नहीं होगा। एलेक्स फ्रेम से बाहर रहो। अच्छा यह दो मुझे, मैं तुम्हारा फोन लूंगा। लगता है कि इसमें बहुत समय लगेगा, इसे मुझे दे दो। ये बहुत हो गया। तुम क्या कर रही हो मिला? मुझे फोन अभी वापस दो। मुझे परेशान मत करो, मैं खेल रही हूँ। रुको, मैं भी खेलना चाहता हूँ। तो क्या, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यह क्या कर दिया तुमने, मेरा फोन गिरा दिया। इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या हो गया एलेक्स, मुझे बताओ। तुम इसे ना देखो तो बेहतर है। अरे नहीं, यह नहीं, ये पूरा टूट गया है। सॉरी जूली, हमारा मतलब यह नहीं था। चलो झगड़ा नहीं करते हैं, बल्कि देखते हैं कि तिजोरी में मेरे पास क्या है। मुझे लगता है कि मुझे एक अजीब आवाज सुनाई दे रही है। क्या है इसमें, मुझे नहीं मिल रहा है। लगता है मुझसे दूर भाग रहा है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, ये एक मेढक है। क्या तुम सच कह रही हो? नहीं हो सकता, कोई इसे मेरे सिर से हटाओ। मुझे माफ करो, लेकिन मैं उसे नहीं छूऊंगा। फ्यो, लगता है कि मैंने उसे छुटकारा पा लिया। नहीं, अब वो मुझ पर कूद गया है। यह बहुत मजेदार है। ठीक, कितना स्लाइमी है, इसे ले जाओ। तुमने क्या किया है जूली, मैंने इसे लगभग निगल लिया। मुझे लगता है कि हमें उसे इतना डरने की जरूरत नहीं थी। देखो कितना प्यारा है। क्या होगा अगर ये एक राजकुमार हो? मैं जादू तोड़ने के लिए मेढक को किस करने की कोशिश करूंगी। क्या यह काम किया? मिला ने मेढक को किस किया। तो क्या, मुझे चेक करना था, और मुझे चेक करना है कि मेरी तिजोरी में क्या है। यहाँ एक टोपी है, मुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या करना है। पहन कर देखो, देखो कि क्या तुम्हें फिट होता है या नहीं। सावधान मिला, तुम्हारा मेढक फिर से कूद गया। देखो उसे क्या हुआ। अब ऐसा लगता है कि ये चॉकलेट से बना है। और ये सच में वैसा लग रहा है। वाह, ये पक्का से चॉकलेट है, बहुत स्वादिष्ट। मुझे समझ आ गया कि तुम्हारा हैट कैसे काम करता है, और मुझे पता है कि इसमें क्या डालना है। तुम क्या कर रही हो जूली? देखो हो गया, मेरे फोन को चॉकलेट में बदल दिया। कमाल का आइडिया था, और यह कितना स्वादिष्ट है। मुझे भी कुछ डालना है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। देखो जूली, एलेक्स चॉकलेट बन गया है। तुम क्या कर रही हो मिला, तुम्हें उसकी उंगली क्यों चाहिए? रुको, उसे मत खाओ। तुम सही कह रही हो, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा।
मुझे पता है कि एलेक्स को वापस कैसे लाया जाए, बस हैट को निकालने की जरूरत है। अब पहले जाने की मेरी बारी है। ऐसा लगता है कि मुझे इस बार एक ट्रीट मिली है। वाह, चॉकलेट शेक, वह अच्छा लग रहा है। क्या तुम शेयर करोगे? पहले कम से कम इसे खोलना होगा। तुम्हें यहाँ घुमाना होगा। ओह धन्यवाद। क्या अब तुम मेरे साथ शेयर करोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं ये सब खुद पी लूंगा। वैसे यह बहुत स्वादिष्ट है। लालची, और मैंने तुम्हारी मदद की। ठीक है, ये लो। तुम क्या कर रही हो जूली? तुम मेरा सारा मिल्कशेक गिरा दोगी। और अगर शेयर करते तो तुम्हारे पास बहुत बचता। बहुत फनी। ओके। अब मिला की बारी है। मैं इसे खोलना नहीं चाहती। निश्चित रूप से अंदर कुछ बेकार है। ओह बदबूदार मछली, मैंने तुमसे कहा था। और मैं इसके साथ क्या करूँगी? मैं इसे अपने मुंह में नहीं डाल सकती। जल्दी खाओ, नहीं तो हमारा दम घुट जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहती। केवल तुम्हारे लिए मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ। कितना गंदा, भयानक। मैं अपनी जिंदगी में फिर कभी यह मछली नहीं खाऊंगी। अब भी थोड़ा बाकी है, जल्दी खत्म करो। ठीक है, मुझे लगता है कि पूरी मछली खाना बेहतर है। अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है? मैंने नहीं सोचा था कि मेला ऐसा कर सकती है। अरे ध्यान से, तुमने मेरे चेहरे पर मछली के कांटे फेंक दिए। लेकिन ये फनी था। बिल्कुल नहीं, अपनी तिजोरी खोलो। ओह, यहाँ एक कैंडी का टुकड़ा है। और मुझे इसके साथ क्या करना है? शायद बस इसे खाना है। और बस, स्वादिष्ट है लेकिन बहुत बहुत छोटा। बस एक दांत से खाना होगा। अजीब है। मैं सहमत हूँ, शायद मुझे इसके लिए कोई वजह ढूंढने की जरूरत नहीं है। ओह, मुझे क्या हो रहा है? हाँ, तुम्हारा चेहरा कैंडी से ढका हुआ है और हाथ भी। ओह माय गॉड, कैंडी जादुई निकली। देखो, पुरानी कैंडी की जगह नई आ जाती है। क्या मैं भी एक ट्राई कर सकता हूँ? okay. वाह, कितना स्वादिष्ट है। देखो, अब मैं कैंडी में ढक गया हूँ। वाह, ये कितना बढ़िया है। क्या तुम्हें भी चाहिए मिला? नहीं। उरे, नई तिजोरियाँ। मैं अपना खोलने के लिए तैयार हूँ। वाह, इसमें न्यूटेला का जार है। हाँ देखो, ये कितनी बड़ी है। सुपर। देख कर, अपना कचरा फेंको जूली। आउच, चोट लग गई। माफ करो, न्यूटेला ने मुझे इतना असावधान बना दिया। बस इसे चखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। देखो ये कितना चॉकलेटी है। यह हुआ ना असली मजा। मुझे भी चाहिए। बहुत बढ़िया, मुझे भी कुछ मिल गया है। धन्यवाद। अब तुम फिर मेरे न्यूटेला के पास आने की हिम्मत मत करना एलेक्स। मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। जूली, तुम्हारे पूरे चेहरे पर लग गया है। तो क्या? ओ नहीं, लगता है मेरा हाथ जार में फंस गया है। लगता है किसी को तुरंत मदद की जरूरत है। खींचो एलेक्स, मैं जीवन भर इस तरह नहीं रहना चाहती। मैं खींच रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं निकल रहा है। मदद करो, मैं गिर रही हूँ। लेकिन तुमने खुद खींचने को कहा। वाह, मेरे पास अब न्यूटेला की जार है। अगर तुम पूछना चाहते हो कि मैं कैसी हूँ, तो मैं ठीक हूँ। सच कहूँ तो हम पूछना नहीं चाहते थे। तुमने मेरा न्यूटेला क्यों लिया? ओह, कितना अच्छा है कि अभी भी बाकी है। यह देखने का समय है कि मेरी तिजोरी में क्या है। फौरन गैस मास्क ले आओ, ये ब्लू चीज है। अगर तुम इसे अभी खाने वाली हो तो तुम्हें गैस मास्क की जरूरत नहीं होगी। मुझे लगता है कि मेला को अपने दोस्तों की मदद की जरूरत है। दरअसल नहीं, मैंने मदद नहीं मांगी। ओह, लगता है कि यह काम कर गया। तुमने लगभग सब कुछ खा लिया। यह कैसे हो सकता है? मुझे अब उल्टी हो जाएगी, मैं यह नहीं निगल सकती हूँ। यह अच्छा है कि सब कुछ ठीक हो गया, केवल मेरी मिस्ट्री तिजोरी रह गई। लगता है अंदर एक ब्लैक होल है। चलो कुछ आसान से शुरू करें। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। आसानी से यह हो जाएगा। मैं सिर्फ खाना बनाना सीखना चाहता था। जब तक हर कोई आलू छील रहा है, मैं कुछ अच्छा पकाऊंगा। वैसे बहुत ज्यादा तेल जैसा कभी कुछ नहीं होता है। खैर, लगभग तेल उबल गया है, जिसका मतलब है कि वहाँ फ्रेंच फ्राइज को तैयार स्लाइसेस डालने का समय हो गया है।
नहीं, रुक जाओ। ये छींटे, गरम, बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लगभग उबलते तेल से जलने वाले थे। तेल को पूरी सावधानी से डालना चाहिए, फिर आलू को समान रूप से फ्राई करो। इस तरह से डालना चाहिए, देखो। ओके। ताड़ा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रेंच फ्राइज तैयार है। जोड़ने के लिए केवल थोड़ी सी सॉस बची है। हाँ, फ्राइज। मेरी राय में ये एक साधारण तला हुआ आलू है, इसलिए मैंने असली फ्रेंच फ्राइज बनाया। लेकिन यह सब नहीं है, अब मैं साधारण आलू से एक वास्तविक डेलिकेसी बनाने जा रही हूँ। मुझे बेकन, ग्रेवी और जाहिर है मीठे रोजमेरी की आवश्यकता होगी। हाँ, इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और स्वाद भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। गमी आलू का उपयोग क्यों ना करें? ये कहते हैं कि यदि आप इसे स्ट्रॉबेरी सिरप में डुबोते हैं तो यह और भी स्वादिष्ट होगा। आहा, मैं बीच वाले फ्राइज के साथ खाना शुरू करूंगी। दादी, ये बहुत अच्छा है। ओह छी, मैं रोजमेरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे खेद है मैडम शेफ, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया। लेकिन मैं एक गमी आलू के आइडिया की सराहना करती हूँ। भाई, तुम अच्छा कर रहे हो, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब पता नहीं विनर किसे चुनूं। हाँ, दादी इस दौर को जीतती है। इस बार काम ज्यादा मुश्किल है, आपको सुशी पकाने की जरूरत है। यह हो जाएगा, सबसे अच्छा नुस्खे के अनुसार। सुशी, यह क्या होता है? सब अच्छे से नुस्खे के अनुसार होगा। सुशी, यह क्या होता है? हाँ, गांव में कोई नहीं जानता कि सुशी क्या है। ऐसा क्यों है? मैं सुशी बना लूंगी। साधारण सुशी बोरिंग है। सुशी विभिन्न कैंडी से बनाना अलग बात है, और सार क्रीम के बजाय अंदर स्वादिष्ट व्हिप क्रीम होगी। और बेशक हम चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूल सकते। यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है, मैं इस गमी आई का भी उपयोग करूंगा। देखो यह कितना खूबसूरत लग रहा है, और यह चॉकलेट सिरप। दिलचस्प आइडिया, मैं भी बहुत जल्द सूची तैयार करूंगी। मुख्य बात शेफ के बाद बहुत सावधानी से दोहराना है, लेकिन अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये मुश्किल नहीं है, तो चलो देखें कि आप कितना बुरा सुशी बनाती हो। मैं सॉस जोड़ सकती हूँ। वाह, मैंने कभी एवोकाडो नहीं देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात सब कुछ अच्छे से मोड़ना है, जो आप दादी निश्चित रूप से सफल नहीं होंगी। ताड़ाम, परफेक्ट सुशी लगभग तैयार है। कितना डरावना है, मुझे नहीं लगा था कि मेरी सुशी इतनी बदसूरत होगी। यह सुशी को सैल्मन में लपेटने का समय है। मुख्य बात है मछली मोटा नहीं हो। इसे अच्छे से टुकड़ों में काट ले, और हमें सोया सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मछली तुम कहती हो, ठीक है, यह हो जाएगा। मैं डालूंगी इसे। हो गया, मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट निकला। वाह शेफ, जाहिर है तुम्हारी सुशी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस भयानक चीज को अपनी पोती के सामने नहीं रख सकती, हमें कुछ करना होगा। ठीक है, सिर्फ खीरे के साथ सुशी क्यों नहीं बनाते? ये स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होगा। मैं इसे अच्छे से स्कूप करूंगी। घिनौना, ऐसा क्यों? खीरा सुशी के लिए अच्छा इंग्रेडिएंट है, मुझे बस इसमें और चावल डालने की जरूरत है। मैं इसे अच्छे से भर देती हूँ, और अब इसे अच्छे से स्लाइस में काट लेती हूँ। पाड़ाम, देखो कितना सुंदर है। यह क्या है? मैंने कभी खीरे और चावल सुशी नहीं देखी है। इसमें मछली भी नहीं है। नहीं, मैं इस सामान को खाना नहीं चाहती, लेकिन मैं खुशी के साथ मीठी सुशी को खा सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आखिरी डिश बची है, और मैं इसे खाकर देखती हूँ। ओ वाह, यह हुई ना बात, असली सुशी।
मैडम शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मुझे ये पता था। मुझे आशा है कि तुम में से सभी एक वॉफल बना सकते हो। मैंने सुना है कि मुझे एक अंडे से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे उससे कोई समस्या नहीं होगी। या आटा जोड़ने का समय है। अब पैकेट खोला और डालता हूँ। मुझे दांत में खुजली हो रही है। अच्छी। ओह, तुम्हारा वाफल देखने लायक होगा। कोई बात नहीं, यह फ्लोर मेरे लिए एक स्वादिष्ट वाफल बनाने के लिए काफी है। मुझे बस सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। हाँ, यह तैयार हो गया। Let's go! अब मेरा तैयार बैटर एक वाफल आयरन में डाला जा सकता है। ये मेरी बहन के जीवन में सबसे स्वादिष्ट वाफल होंगे। बैटर बहुत स्वादिष्ट निकला। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना अंडे के। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा वाफल बना देगा। सभी ने चीनी डाली है, लेकिन मुझे पता है कि चीनी हानिकारक है, तो इसके बजाय मैं एक पूरा पका हुआ कद्दू जोड़ूंगी और मैं इससे बैटर बनाऊंगी। इसे घिस लिया और अब इसमें अंडा मिलाया। हाँ, यह अच्छा है। और अब थोड़ी मैदा और इन सबको अच्छे से मिला देना है, इस तरह से। ओह, ये बहुत खराब लग रहा है। लेकिन ऐसा बैटर तुम्हारी तुलना में बहुत हेल्दी है। अब मैं इसे वॉफल आयरन में डाल सकती हूँ। हाँ, यह ठीक है। अब थोड़ा इंतजार करना है। ओह, ऐसा लगता है कि वॉफल थोड़ा जल गया है। गरम। ओह, यह बहुत गरम लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छी चीजों के साथ छिपा सकता हूँ। व्हिप क्रीम, बेरीज और चॉकलेट सिरप के साथ। हाँ, अब यह बढ़िया लिख रहा है। और मैं पारंपरिक रूप से अपने वॉफल पर मैपल सिरप डालूंगी और मक्खन का एक टुकड़ा भी। जरूरत से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं हेल्दी हर्ब्स के साथ अपने पहले से हेल्दी वॉफल को सजाऊंगी। चलो खाते हैं। ओ भाई, तुम्हारा वॉफल बहुत ओवर कुक्ड है। मैं वो नहीं खा पाऊंगी। और इन वॉफल्स का स्वाद घास और कद्दू की तरह क्यों है? मुझे उससे नफरत है। छी। दादी, लेकिन आपने बहुत ही स्वादिष्ट वॉफल्स बनाए हैं। आप इस दौर में जीतती हैं। हुर्रे! अंत में मैं एक स्वादिष्ट कॉफी पीना चाहती हूँ। यह हो जाएगा। मैं एक शानदार आइडिया के साथ आया हूँ। गर्म कॉफी बोरिंग है, आज कोल्ड कॉफी यानी फ्रैपचिनो फैशन में है। मुझे एक बड़े जार में ज्यादा से ज्यादा बर्फ डालना होगा, फिर उससे स्वादिष्ट चॉकलेट सिरप डालूंगा। और बेशक हमें कॉफी को नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास यहाँ स्टारबक्स है और ट्विक्स चॉकलेट का एक कॉकटेल निश्चित रूप से इसे स्वादिष्ट बना देगा। मैं इसे अब मिक्स करता हूँ और दूध के बजाय इसी का इस्तेमाल करूँगा। मुझे लगता है कि मैं एक और क्लासिक कॉफी बनाऊंगी। मेरी पोती को यह बहुत पसंद आएगा। अंत में व्हिप क्रीम और कुछ चॉकलेट कैंडी मिलाना होगा। ओरियो कुकीज, कैंडी बार, बेशक हमें स्ट्रॉ को नहीं भूलना चाहिए।
खैर अब कॉफी बनाने की बारी मेरी है। मैं असली कॉफी बनाऊंगी। वेंडिंग मशीन की मदद से मैं कॉफी बीन्स की सही क्वांटिटी लूंगी और खुद उसे ग्राइंड करूंगी, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी ही कॉफी मुझे मिले। अब तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अब मैं इसे डालती हूँ और इसके ऊपर से उबलता हुआ पानी डालूंगी। हाँ, अब तक सब बढ़िया चल रहा है। कॉफी के लिए दूध और इसे मैं खुद ही मिलाऊंगी। इसे अच्छे से फेंटना है, इस तरह से। हमें कैसे सर्व करना चाहिए इन नियमों को नहीं भूलना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। दादी, मैं इस कॉफी को हमेशा पहचानती हूँ और मैं आज यह कहना चाहूंगी कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये पैकेट का है। पहला मग ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कड़वा। आखिरी मग चखना बाकी है। ये सच्ची में अच्छा है। भाई, तुम इस दौर में जीत गए। ये आखिरकार।